हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी कूपन डील। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्का के स्मार्ट लाइट की। तो फ्रेंड्स, ये एक वाईफाई इनेबल्ड स्मार्ट लाइट है जिसको आप अपने फ़ोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको आप अमेज़ॉन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ भी कनेक्ट करके, लिंक करके बाय योर वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। तो करेंगे इसको अनबॉक्स और देखेंगे इसको कैसे सेटअप करते हैं और कैसे ये वर्क करता है और क्या ये लेना वर्थ है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो फ्रेंड्स, सामने की तरफ आपको सिस्का एलईडी लिखा मिल जाएगा स्मार्ट लाइट, और साइड में से कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन हैं जैसे कि सेटा शेड्यूल और टाइमर और ग्रुप डिवाइसेस, ऐप कंट्रोल, और पीछे की तरफ भी आपको इसके कुछ डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आपको QR कोड भी मिल जाएगा जिसको आप स्कैन करके आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको सेटअप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, तो डोंट बी वरी अबाउट दैट। चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, सामने की तरफ आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है इसका, सिस्का स्मार्ट लाइट का। तो इसको हम रखते हैं साइड में, और अंदर की तरफ आपको काफ़ी शानदार पैकिंग के संग ये सिस्का की तरफ से आने वाला स्मार्ट एलईडी मिलता है। तो इसको निकालते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स, ये है अपना सिस्का की तरफ से आने वाला एक स्मार्ट एलईडी। और फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी वज़न है, काफ़ी मतलब हैवी है नॉर्मल एलईडी के मुकाबले, क्योंकि ऑब्वियसली बात ये स्मार्ट एलईडी है तो इसमें काफ़ी चीज़ें, इसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइस डले होंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा हैवी है। और डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है, और बॉक्स में और तो कुछ दिया नहीं हुआ। तो करते हैं इसको सेटअप, देखते हैं क्या प्रोसीजर है इसको सेटअप करने का और किस तरह से आप इसको फ़ोन के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले अपना फ़ोन लेना है। फ़ोन को खोलने के बाद आपको जाना है ऐप स्टोर में, और ऐप स्टोर में आपको जो सर्च करना है वो है स्मार्ट लाइफ। और स्मार्ट लाइफ सर्च करके जो आपका रिज़ल्ट आएगा उस पर आपको टैप करना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने स्मार्ट लाइफ लिखा है और यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है, इसको मैं दबाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है अपने फ़ोन में, स्मार्ट लाइफ स्मार्ट लिविंग। तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद आपको जाना है प्लस का आइकन जहाँ पे बना होगा वहाँ पे, और यहाँ पे आपको जाना है लाइटनिंग में। लाइटनिंग में जाके आपको जो लाइट सोर्स है वो वाईफाई वाले पे सेलेक्ट करना है, और इस पे सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे आपके वाईफाई की डिटेल्स पूछेगा और लोकेशन भी ऑन कराएगा, तो ये आपको कर देना है। तो फ्रेंड्स, वाईफाई का नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और फिर इसमें आपसे फ्रेंड्स ये बोलेगा कि आपका बल्ब जो है रैपिडली ब्लिंक कर रहा है या नहीं, और अगर नहीं कर रहा तो आपको अपने स्विच को ऑन ऑफ करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने बल्ब को लगा लेते हैं, फिर देखते हैं ये ब्लिंक करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो नया वाला बल्ब है वो लगा लिया है, और जो पुराना बल्ब है वो यहाँ साइड में पड़ा है। तो इसमें फ्रेंड्स जो इंस्ट्रक्शन आ रही है उसके अकॉर्डिंग मेरे को अपने जो स्विच है, पावर स्विच जिससे लाइट ऑन ऑफ होती है, उसको मेरे को कॉन्टीन्यूसली 2-3 बार ऑन ऑफ करना है, देन जो बल्ब है वो ब्लिंक करने लगेगा। तो चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब बल्ब जो है वो ब्लिंक हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरे फ़ोन में जो मैसेज आ रहा था उस पर मैं दबा दूंगा यस, कन्फर्म द लाइट इज़ ब्लिंकिंग रैपिडली। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा, और उसके बाद ये डिवाइस को ऐड करने लगेगा। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो अब इसको ऑपरेट करके देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस तरह का इसका कुछ लेआउट है। तो मैं यहाँ से टैप करूँगा, तो देख सकते हैं आप लाइट जो है बंद हो चुका है, और अगेन यहाँ से दबाऊँगा तो जो लाइट है वो ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो आपको नीचे वाइट का ऑप्शन मिलेगा, तो वाइट पे आप जब प्रेस करेंगे
तो यहाँ पे एक स्लाइडर आ जाएगा जिसके थ्रू आप जो ब्राइटनेस वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको कम करूँगा तो कम हो जाएगी ब्राइटनेस, और ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगी, आप ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की जो है कलर। तो फ्रेंड्स कलर पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कई कलर ऑप्शन आ गए हैं। तो मैं जैसे इसको नीचे की तरफ ले जाऊँगा पिंक की तरफ, जो लाइट है पिंक हो गया है, और ब्लू की तरफ ले जाता हूँ तो लाइट ब्लू हो जाएगा, और लाइट ब्लू की तरफ तो लाइट ब्लू, और ग्रीन की तरफ तो ग्रीन हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स ये भी काफ़ी एक अच्छा इसमें फीचर है, और आप नीचे से यहाँ से अपना अगेन ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं और कूलनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको लाइट कितना कूल चाहिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की सीन। तो फ्रेंड्स इसमें अलग अलग सीन दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें आपको नाइट मिल जाएगा, रीडिंग मिल जाएगा, पार्टी, गॉर्जियस, और कई सारे इसमें आपको मिल जाएंगे, शाइन, रेनबो। तो इसको भी आप सेट कर सकते हैं और शेड्यूल कर सकते हैं कि आपको किस टाइम अपनी लाइट जो है ऑन या ऑफ़ करनी है। तो ये ऐसे कुछ फीचर्स थे फ्रेंड, और इस तरह से आप अपने फ़ोन से इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, और बहुत ही स्मूथली चलता है और कोई भी प्रॉब्लम आपको ये नहीं प्रोवाइड करेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस लाइट को अगर आपको परचेज़ करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे वेबसाइट को विज़िट करें easycoupondeal.com, जहाँ पे आपको और भी कैशबैक ऑफ़र कूपन डील्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Strong.